निश्चित तौर पर जो बात आप कह रहे हैं कि पिछले 4 सालों में आंकड़े बहुत खराब हुए हैं और इस बजट से बीजेपी जो दावा कर रही है कि सारी चीजें ठीक कर ली गई हैं, ऐसा है नहीं। एके मिश्रा जी हैं, व्यापारियों के सलाहकार हैं, उनसे जानते हैं कि सर व्यापार जगत किस तरह से ले रहा है इस पूरे बजट को। नहीं देखिए, एज ए होल अगर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव में इस पूरे बजट को देखा जाए तो अब पिछले 4 सालों की, 3 सालों की अगर मैं बात करूं, 3-4 सालों की, तो बीजेपी गवर्नमेंट जब आई थी तो आप देखिए शुरू में इन्होंने फोकस किया इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, मेक इन इंडिया, ये सारी चीजें दी थी। अब की बार देखने से ये लगता है इनको ये लगा कि अब की बार हमें शिफ्ट करना चाहिए पूरे डायनामिक्स को, तो इन्होंने रूरल डेवलपमेंट और एग्री रिलेटेड जो बिजनेस है उस चीज को इन्होंने फोकस किया है। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, स्मॉल स्केल के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फिर इवन सैलरीड पर्सन जो है, उनके लिए यहाँ पे कोई बहुत उत्साहवर्धक जो है नतीजे गवर्नमेंट ने नहीं दिए हैं। बीजेपी कह रही है कि छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो स्कीम है लोन की, उसको आसान किया, सरल किया उन्होंने। नहीं देखिए, चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, होता क्या है कि प्लानिंग इट इज अ डिफरेंट थिंग, पेपर पे आपने सारी चीजें की, मैं इसके पहले का भी बोलता हूँ, देखिए इनकी योजनाएं हो सकता है उसके उद्देश्य बहुत अच्छे हैं। मुद्रा बैंक की इन्होंने किया था स्थापना किया था, और इसके साथ आप देखिए युवाओं के लिए इन्होंने कौशल विकास योजना शुरू की थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट अभी भी उतना नहीं दिख रहा है जितना बीजेपी ने खुद एक्सपेक्ट किया था। कैन यू इमेजिन कि इतने बड़े बड़े वहां पे अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के साथ, ऐसी इनके पास ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि 90% बजट को आप फोकस केवल और केवल एक ही सेक्टर पे कर दीजिए। उसके फायदे हैं, मैं मानता हूं 60-70% जो है पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में रहती है, रूरल एरिया का विकास होना चाहिए, और जो एक्सपेक्टेशन लेकर इन्होंने किया है, अगर मैं नॉन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि अगर भारत के रूरल एरिया की दशा बदल गई तो देश की भी दशा बदल सकती है, लेकिन विद इन 1 ईयर या 2 ईयर 3 ईयर में वो नहीं होने वाला। लगता नहीं कि 2014 में सरकार बनी थी, अगर ग्रामीण इलाकों पर बीजेपी को इतना ही की चिंता थी या फोकस था तो 2014, 2015, 2016 उनके पास थे, ताकि ना सिर्फ बजट लाते बल्कि इंप्लीमेंट करके देखते भी कि उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, कितना फायदा हुआ। नहीं नहीं, देखिए हो गया थोड़ा, मैं आपको बताता हूँ। कई बार क्या होता है, एक अप्रोच होता है ट्रायल एंड एरर बेसिस का अप्रोच होता है, उस पर होता ही है कि उन्होंने उस वक्त फोकस इस चीज पे किया जो उनको इम्पोर्टेंट लगा, मेक इन इंडिया हो गया, मतलब इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए किया। आप पीछे के बजट में आप जाके देखेंगे तो रूरल पे शायद उतना फोकस नहीं था, किसानों पे उतना फोकस नहीं था, लेकिन अब की बार, अब देखिए होता क्या है, आपने सारी चीजें तो कर ली, अब आपके पास बचा क्या है, उसके कई रीजन है कि आप रूरल पे क्यों फोकस कर रहे हैं। मेजोरिटी जो वोट बैंक है वो आपका रूरल से आता है, डेवलपमेंट के हिसाब से भी रूरल प्रायोरिटी होना चाहिए ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। उसके साथ साथ अब बजट में आप एक चीज देखिए, टीबी के मरीजों के लिए 500 रुपीज का प्रावधान किया गया है। टीबी के मरीजों के लिए एक जो मेन दवा होती है वो रिफामसिन होती है सर, 500 रुपए में महीने भर की तो आप दवा भी नहीं खरीद पाओगे, और स्पेशल डाइट की जरूरत होती है। अब इस तरीके के प्लान को अगर किया जाए, अगर इस चीज को एनालाइज किया जाए, तो 500 रुपीज आप टीबी के मरीजों को देके क्या बोलना चाहते हो कि कोई बहुत बड़ा आपने तीर मार लिया। देखिए अब फूड मेगा फूड पार्क ये जो बना रहे हैं उसमें किसी किसान को डायरेक्ट तो फायदा नहीं होगा, कोई किसान तो मेगा फूड पार्क बनाएगा नहीं, 2000 करोड़ 5000 करोड़ का इन्वेस्ट करेगा नहीं। वो जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है इस चीज में अगर देखा जाए तो पतंजलि आयुर्वेदा सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है, या अडानी है, अंबानी है, टाटा है, ये लोग पैसे लगाएंगे। लेकिन उसका एक बहुत पॉजिटिव पहलू भी है जिसको कि मैं बोलूंगा, वो है कि ये रूरल एरिया में बनते हैं तो वहां पे इनडायरेक्ट वे में जॉब क्रिएशन होगी। अगर उसके साथ एग्री से रिलेटेड जितने और सेकेंडरी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए खेती करना है, और उसके साथ किसानों को भी वहां पे बहुत सारे फायदे होंगे, तो ये एक अच्छी पहल है। लेकिन सवाल ये है कि अगर रूरल एरिया को आप डेवलप, आपका प्लान ये है कि जी मैं 1 साल में कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बिल्कुल मिश्रा जी, 1 मिनट रोक के अब सैफ जी के पास आएंगे। सैफ जी, जो पिछले दिनों के चुनाव हुए, चाहे गुजरात का चुनाव हुआ, और जो आंकड़े दिखाए कि रूरल क्षेत्र में बीजेपी कमजोर हुई, दूसरी ओर सड़कों पर जिस तरह से किसान आंदोलन करने को मजबूर हुए और अन्ना हजारे का जिस तरह से समर्थन मिला, 23 मार्च को अन्ना ने घोषणा की थी कि किसानों के समर्थन के लिए वो दिल्ली में फिर बैठेंगे, तो क्या सरकार को पता है कि इस तबके को खुश करना जरूरी है, क्योंकि ये तबका सबसे ज्यादा नाराज था इस समय। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं जी कि ये तबका नाराज था नहीं, ये नाराज है अभी जी। इस वक्त जो है कोई ऐसी मेजर प्रॉमिसिंग जो है किसानों के लिए नहीं की गई है जी। सरकार ने वादे तो किए थे 4 साल पहले कि उनको 50% समर्थन देंगे,
यानी उनकी क्रॉप्स की जो वैल्यू है डबल कर दी जाएगी। आज तो कुछ ये भी वादे देखने को मिले कि 2022 तक जो है हर गरीब को यह एक घर जो घर के करीब घर जो है वो मिल जाएगा। तो ऐसे फेक प्रॉमिसेस तो भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। इन टर्म्स पहले मूल समर्थन की बात की थी 50%, आज जो है उसे सरकार में आते ही सबसे पहले वो मना कर दिया गया कि नहीं, सब स्टेट सरकारें जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगी लोन को माफ करने के लिए। खैर बहरहाल टैक्सेशन जो है हर चीज पे बढ़ती जा रही है। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में ना लाने का मतलब यह है कि दिल्ली और एनसीआर की अगर मैं ये बात करूं आपसे तो 110% की ड्यूटी जो है हमें टैक्स के ऊपर हमसे इस वक्त वसूल की जा रही है। तो ये सब जो है गवर्नमेंट के खजानों में जमा हो रहा है, हर जगह से प्रॉफिट ही आ रहा है। वैसे ही आपके रेलवे की अगर ये बात करते हैं तो रेलवे में 2 रुपए के टिकट 20 रुपए के ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। अगर उसमें यह बढ़ोतरी अगर ये दिखा के अचीवमेंट दिखा रहे हैं तो ऑलरेडी इन्होंने अपना जो लॉस है या प्रॉफिट है वो ऑलरेडी इन्होंने कवर अप कर लिया है 2 रुपए से 20 रुपए के टिकट करने पे ही। प्लस मेट्रो के फेयर जो है वो 30 से 40 रुपए के करीब वो बढ़ा दिए गए हैं अगर आप ये डिस्टेंस कवर करते हैं, लंबा डिस्टेंस का वो कवर करते हैं। तो ऐसे ही हर चीज पर गैस सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो 414 रुपए का जो सिलेंडर था आज वो 800 रुपए से ज्यादा ऊंचा मतलब ऊपर उनके प्राइसेस हो चुके हैं। वैसे ही हमें दाल जो है 70 रुपए की जो दालें थी आज 150 रुपए की हो चुकी है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको बोला ये जा रहा है कि आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत हम जो है अच्छा कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं देश का, हमें ऐसा इनफैक्ट विकास बहुत बड़ा सबूत यह है कि इंडिया पहले फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी जो चाइना से ऊपर थी, आज उसका बहुत बड़ा जो एग्जांपल ये कि हम चाइना से नीचे हैं इन टर्म्स ऑफ। बिल्कुल सैफ जी, आपको रोकूंगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जो हैं प्रेस के सामने आ रहे हैं और देखिए क्या कुछ अमित शाह का कहना है, सीधा दिल्ली लेके। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो देश के सामने रखा है इसकी पूर्ति के लिए एक बहुत बड़ी घोषणा आज भारत सरकार के द्वारा की गई है। नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है कि इस बजट के बाद जब कभी भी समर्थन मूल्य की घोषणा होगी वो लागत मूल्य से 1.5 गुना समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा। मैं मानता हूं कि आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने ये हिम्मत दिखाई है कि किसान की लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य उनको देना। इसके साथ साथ सभी फसलों के लिए समर्थन मूल्य की घोषणा करने का भी एक फैसला भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। ऑपरेशन ग्रीन के तहत आलू टमाटर और प्याज कई बार किसानों को रोने का सबब बनते थे, उसके लिए भी 500 करोड़ रुपया और इसमें जब राज्यों के ऐड होंगे तो ये रकम बहुत ज्यादा हो जाएगी देश की, इसके लिए आवंटित किया गया है। ग्रामीण हाट कृषि बाजार के लिए भी 2000 करोड़ रुपए का एक विशेष प्लानिंग किया गया है। फूड प्रोसेसिंग के लिए 1400 करोड़ रुपया दिया गया है। राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए लगभग 1300 करोड़ रुपए का प्लानिंग किया गया है जिससे न केवल बांस का आयात कम होगा, छोटी जोत वाले किसानों के लिए एक कम मजदूरी वाली कम लागत वाली खेती के लिए बांस का विकल्प खुला होता है। कृषि क्षेत्र में संस्थागत कर्ज के लिए जो राशि थी उसको बढ़ाकर अब 11 लाख करोड़ तक ले जाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं पार्टी की ओर से उसकी बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। कृषि उत्पाद की प्रोसेसिंग के साथ जुड़ी हुई कंपनियों में टैक्स के राहत की भी घोषणा की गई। मछली पालन के लिए 10,000 करोड़ का 2 योजना बनाने की बात की है जो किसानों की आय 2 गुना करने के योजना का एक हिस्सा रहेगी और पशुपालन के लिए भी और मछली पालन करने वाले किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की घोषणा कर उनको अच्छे तरीके से ऋण मिले इसकी व्यवस्था करी है। इसके साथ साथ शहरों में रहने वाले हमारे देश के नागरिकों को 1 घंटा भी अगर बिजली चली जाती है तो बहुत बड़ी परेशानी होती है और दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे गांव ऐसे थे जहां पर बिजली नहीं पहुंची थी, मई तक गांवों में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त हो जाएगा। अब सरकार सौभाग्य योजना के तहत हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है और 2022 तक
हर घर में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया जाएगा और इसके लिए इस बजट के अंदर बहुत बड़ी राशि का आवंटन किया है। आयुष्मान भारत एक नया विचार प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से देश के सामने रखा है। हर व्यक्ति स्वास्थ्यवान हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, नए भारत की जो कल्पनाएं हैं उसमें से एक कल्पना है। इसको साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने हर गरीब परिवार के लिए, लगभग 10 करोड़ परिवारों के लिए, परिवार के 5 लाख रुपए की बीमे की व्यवस्था करी है। मैं मानता हूं करीब करीब देश के 40 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना के तहत अपने आप को ये लाभ को पाने के लिए समर्थ कर पाएंगे और इस योजना का इतना अच्छा प्रतिभाव जनता में आता है कि आज काफी कार्यकर्ताओं के पास से मैं फीडबैक लेता था तो आयुष्मान भारत जैसे शब्द की जगह जनता में ये योजना अभी से नमो केयर के नाम से जानी जाती है। बहुत अच्छा प्रतिभाव इस योजना को आज मिला है। मैं मानता हूं कि हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। 24 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए भी इस बजट के अंदर प्रावधान किया है और लक्ष्य रखा गया है कि हर 3 लोकसभा में एक मेडिकल कॉलेज 2022 तक खुला जाएगा। 2022 तक हर आदिवासी जिले में एक एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल बनाई जाएगी। वडोदरा के अंदर रेलवे यूनिवर्सिटी का गठन किया जाएगा जिससे द्रुत गति से चलने वाली ट्रेन, मेट्रो और रेलवे के सुधार पर R&D का काम भी होगा और इसको आगे बढ़ाने की भी बात होगी। ग्रामीण विकास और डिजिटलाइजेशन के लिए भी बहुत सारा योजनाएं सरकार लेकर आई है। लगभग 14.34 लाख करोड़ रुपया ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटित किया गया है। 5 लाख गांव में ब्रॉडबैंड को पहुंचाने का लक्ष्य रखा है जिसमें बड़ा हिस्सा इसी वित्तीय वर्ष के अंदर समाप्त कर दिया जाएगा। देश भर के अंदर 6 करोड़ शौचालय और बनाने का फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो स्वच्छता के लिए एक अभियान उठाया है इसकी दिशा में उसको सफल करने के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। देश के 115 जिले चिन्हित कर लिए गए हैं जो विकास की दौड़ में कहीं न कहीं पीछे रह गए हैं, वो 115 जिलों के लिए एक विशेष योजना बनाई जाएगी जो सबसे पहले जिले है इसके समकक्ष ये अंतिम 115 जिलों को पहुंचाने के लिए भी एक बहुत बड़ी राशि का आयोजन प्लानिंग इसके अंदर किया गया है। इसके साथ साथ सड़कों को जोड़ने का भी लक्ष्य रखा गया है। रेलवे के लिए लगभग 1,48,000 करोड़ रुपया गत वर्ष से 20,000 करोड़ के करीब राशि ज्यादा आवंटित की गई है। 3600 किलोमीटर पटरियों के नवीनीकरण का एक लक्ष्य रखा गया है और रेलवे के 4000 किलोमीटर के क्षेत्र को विद्युतीकरण से आधुनिक बनाने के लिए भी लक्ष्य रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 5.97 लाख मतलब 6 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का निर्धारित किया गया है। 9000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए भी किया गया है। 124 एयरपोर्ट जो अभी है वो 124 एयरपोर्ट से बढ़ाकर 5 गुना बढ़ाकर देश को उड़ान योजना के माध्यम से आम आदमी को जोड़ने के लिए उड़ान योजना के तहत उसको फायदा पहुंचाने की योजना भी बनाई गई है। ग्राउंड वाटर इरिगेशन के लिए 2600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। MSME 100 करोड़ टर्नओवर वाली किसान कंपनियों को लगभग 100% कर में रियायत दी गई है। टेक्सटाइल के लिए 1750 करोड़ के पैकेज के माध्यम से रोजगारी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं। SC ST कल्याण के लिए भी SC वेलफेयर के लिए 56,000 करोड़ और ST के लिए 32,508 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मित्रों, मैं मानता हूं कि ये बजट भारत की विकास के नक्शे को सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशक बनाएगा। हर
हिस्से को छूने का प्रयास किया गया है और हर हिस्से को समाविष्ट करने का भी प्रयास किया गया है। और प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है, न्यू इंडिया की एक कल्पना, एक सोच, एक कंसेप्ट भारत की जनता के सामने रखा है, उसको पूरा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम इस बजट के माध्यम से उठाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता की ओर से, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन्होंने जो लोकाभिमुख बजट दिया है वो आने वाले दिनों में भारत के विकास के लिए एक मील का पत्थर बनकर रहेगा, इसका सबको विश्वास है। धन्यवाद। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जो बजट पेश किया है, तमाम चीज़ों को न सिर्फ गिना रहे थे बल्कि ये बता रहे थे कि मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास का जो दावा करके सत्ता में आई थी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। और साफ तौर पर उनका कहना है कि इस देश का बहुत बड़ा तबका जो कहीं ना कहीं अनदेखी का शिकार था, मोदी सरकार में उसकी सुध ली गई है और उस पूरे बजट को जो है उस बजट का लाभ उस तक पहुँचाने की कोशिश की गई है। मिश्रा जी, एके मिश्रा जी हमारे साथ हैं, सुना सर आपने कि किस तरह से वित्त मंत्री के बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बजट का गुणगान कर रहे हैं जिस बजट में सभी तबकों का विशेष ध्यान रखा गया। जी मैं आपको बताऊं, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो अपोजिशन हमेशा ही विरोध करेगी और जो बीजेपी वाले हैं वो एक एक चीज को इसको बहुत अच्छा बताएंगे। एक रेशनल वे में अगर आप इसको एनालाइज करें, रेदर देन कि आप बीजेपी या कांग्रेस के हैं, मैंने आपको बताया दो तीन चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन पूरे ओवरऑल हर एक सेगमेंट को टच कर लेना इस बजट में इन्होंने ये नहीं किया है। उसका एक लाइव एग्जांपल है, सैलरीड क्लास के लोगों के लिए आपने क्या किया, कितना बड़ा वो क्लास है और टैक्स पेयर है। आपने बजट में, वित्त मंत्री जी ने खुद डाटा बताया था, आपने एक शब्द तक नहीं बोला। आधे परसेंट की रियायत दे देते तब भी ये होता कि हाँ भाई शगुन के लिए ये चीज हो गई है, तो सारी चीजों को टच नहीं किया है। पूरा का पूरा इन नटशेल अगर देखेंगे तो मुझे ये लगता है कि रूरल एरिया के विकास के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। दो तीन जो बड़ी अच्छी चीजें हैं, रेलवे के इन्होंने जो रेल लाइनें हैं उसकी दोहरीकरण के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं बुलेट ट्रेन वगैरह आने में तो अभी पता नहीं 10 साल 5 साल लगेंगे। इंस्टेंट रिलीफ के लिए अगर रेलवे को ही इम्प्रूव कर दिया जाए जो करंट सिचुएशन है तो वो बहुत अच्छा होगा। एक बड़ी खास बात मैं आपको बता रहा हूँ जो सबसे फ्यूचरिस्टिक मुझे लगी और शायद किसी भी चैनल से कोई बात नहीं कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम को आगे बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट ने बात की और प्रावधान रखा। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, प्रिमिटिव नियोनेटल स्टेज पे है, लेकिन 10 साल के बाद आप ये देखेंगे कि जो कंट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस इंडस्ट्री में माहिर है वही पूरी दुनिया पे लीड करेगी। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था आज के 6 महीने पहले, साल भर पहले, चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंडस्ट्री के मामले में इतना ज्यादा सीरियस है कि उसने पूरी एक टास्क फोर्स बनाई हुई है। आगे जो भी होगा सर वो आर्टिफिशियल रोबोट जैसे हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारे सैटेलाइट, सारे वॉर इक्विपमेंट, डे टू डे ऑफिस में जितनी चीजें होती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेक्स्ट जनरेशन रिवोल्यूशन है सर टेक्नोलॉजी और ह्यूमन के उसमें। तो ये है कि इन्होंने बहुत अच्छी चीज पकड़ी है। देश से क्या मानते हैं कि बीजेपी ने जनता की उम्मीदें जितनी अपनी ओर बढ़ाई उन उम्मीदों पर अब बीजेपी खुद ही फंसती नजर आ रही है? का एग्जाम्पल सामने रखा। सबसे पहले अभी अमित शाह जी और पीयूष गोयल जी बात कर रहे थे, पीयूष गोयल जी बिजली की बात कर रहे थे, अमित शाह जी जो हैं ब्रॉडबैंड की भी बात कर रहे थे। तो मैं फिर कुछ सामने जो है गवर्नमेंट का आंकड़ा सामने रखना चाहता हूँ जो ऑन रिकॉर्ड। पीयूष गोयल जी के खुद के अल्फाज हैं, 64,000 विलेजेस हैं अभी यहाँ पे बिजली नहीं आ रही। यहाँ तक कि अगर मैं यूपी के अगर बैच की बात करूँ तो खुद गोरखपुर में ऐसा विलेज है जहां पे 2 महीने से लाइट नहीं। प्लस गवर्नमेंट 18,452 विलेजेस में सप्लाई करने के लिए कितनी पावर कंजम्पशन क्रिएट की गई ये तो बताना भूल ही गया। भाई वादे करने से ऐसे कुछ नहीं होता है, जब तक आपकी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो सप्लाई कहाँ से देंगे? तो प्रोडक्शन की तो बात कोई नहीं कि हम जो है कितनी बिजली जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहरहाल सुनने में जो है वो वादे आते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, वो करने के लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल सैफ खान जी, आप हमारे साथ जुड़े, एक के मिश्रा जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका। बजट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं ना सिर्फ
आम लोगों की आ रही है, बल्कि अर्थशास्त्री भी इस पूरे बजट की समीक्षा में जुटे हैं कि इस बजट का कितना लाभ जो है आम लोगों को आने वाले दिनों में मिलेगा। और जो वित्त मंत्री या फिर मोदी सरकार के तमाम मंत्री दावा कर रहे हैं कि सभी तबकों का विशेष ध्यान रखा गया है और सबका साथ सबका विकास की बात जो मोदी सरकार ने कही थी, इस बजट के मार्फत वो आगे बढ़ रही है। बने रहिए आप टीवी के साथ। नमस्कार।